क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बेटा जी, मैं आपको क्लियर करने लगा हूं। बोला हुआ है क्वेश्चन में कि 6.8 जो है, आप मुझे एक बार क्लियर कर दे कि स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन जो है आपके सामने दिया हुआ है कि 6.8 जो है वो 6.8 केजी का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। व्हाट परसेंट ऑफ 6.8 केजी इज 17 ग्राम। तो कल भी हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है, तो कैसे करेंगे बच्चों, पहले ये देखिए आपका 6.8 किलोग्राम है, तो किलोग्राम को हमने यूनिट में, छोटी यूनिट में चेंज करना है। मैंने आपको सबसे पहले यही बताया 0.25 है ना जी, तो हजार हो जाएगा 2.5, तो 0.25 1/4 आंसर आएगा सर। हाँ बिल्कुल सही भैया, मगर मैं को बता देता हूँ 6.8 × 1000 हो जाएगा इक्वल टू, अगर मैं इसको डायरेक्ट करना चाहूँ तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, ठीक है, का कितने प्रतिशत, यानी कि का यहाँ पे आएगा कितने प्रतिशत, यानी कि x परसेंट बराबर है 17 के, ठीक है। अगर आपने ऐसे नहीं करना है तो आप डायरेक्ट कर दीजिए 17/68/100, कैसे हो जाएगा, इसका पॉइंट हट जाएगा तो 10 आएगा, इस 10 से ये कैंसिल हो गया, जब ये पॉइंट हट गया है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो गया 68, और गुणा 100 किसका आ गया परसेंटेज का, तो 1/4 यानी कि 0.25%, 1 रुपए का आपके का 1 रुपया ये है ना उसका चौथा हिस्सा, तो 1 रुपए का चौथा हिस्सा था 25 पैसे, तो आप ऐसे थे। मगर अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि कई व्यक्ति जो है नहीं समझ पाते हैं मेरे भाई, तो मैं उनके लिए भी बताना चाहूंगा कि कैसे होना ये क्वेश्चन। अपना अपना फोन जो माइक है वो आप म्यूट कर रहे, तो इसमें दिया होता सर, और भी माइक से आपकी आवाज कम आ रही है सर। 6.8 जो केजी है इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि केजी को हमने कन्वर्ट कर दिया है ग्राम्स में। का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है, इसलिए 17 आ गए, तो इसका अगर हम पॉइंट हटाएंगे बेटो तो 6.8 का आ गया ओवर 10, पॉइंट हटा दिया है, इंटू 100,000 आ जाएगा, का मतलब गुणा एक्स। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया हुआ है कि जहां पर ये परसेंटेज का सिंबल लगा होता है उसकी जगह हम क्या करते हैं, बटा अपॉन 100 आ जाएगा आपका इक्वल टू 17। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, अब आपका बच गया 68x इक्वल टू 17, यानी कि x इज इक्वल टू 17/68, 17 × 16 = 68, 1/4, और 1 रुपए का चौथा हिस्सा यानी कि 25 पैसे होते हैं 54 तो दी, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोनों ऑप्शन हो सकती है, 1/4 भी और 0.25 भी, दैट्स इट। होप सो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है स्क्रीन पे, आप ट्राई करने की कोशिश करें
कि दो क्विंटल जो है वो 2.5 ढाई किलो का कितने प्रतिशत है, दो क्विंटल जल्दी से निकालें अपना अपना आप आइडिया दे सकते हैं। 1.5 कोशिश करें, दो क्विंटल बेटा जी मैं समझाता भी जाऊंगा क्योंकि टाइम वेस्ट ना करता हुआ, क्योंकि 40 मिनट की क्लास होती है आपकी। एक क्विंटल होता है वो 100 के बराबर होता है, 1.5% बराबर। तो दो क्विंटल निकालने हैं तो 200 के बराबर हो गए। तो इन्होंने ये पूछा है कि तो हमारा दो क्विंटल है यानी कि 200 केजी बराबर है 2.5 का कितने प्रतिशत। तो 200 ये आ गया आपका केजी बराबर है, इसका पॉइंट हटा दें केजी अपॉन 10 आ गया। बंद रखें कद की इंग्लिश है लग रहा है कद की गैस किसी भी यूट्यूब पे सब्सक्राइब पे चैनल है जसदे रहने में सारे चीजें चे पता रहना भाई माइक के बंद कर लिया। रुक जाओ मैं रिमूव मार रहा हूं पर्संस को। एक कृतिका आपका है, एक माइक बंद रखें सभी, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा आपको। नहीं दिल कर रहा है तो मत लगाए ना, तंग ना करें किसी को। तो 2.5 आ जाएगा बेटा और ये आपका x है। तो देखिए 25 एकम 25 24 100 है ना जी। तो 200 ये आ गया आपका बराबर है x बटा 40। अब बेटा जी सबको पता है इसको, अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि वज्र गुणा। तो ये हमारा हो गया x बराबर है ये जो 40 है, ये जो 40 है आपको दिखाई दे रहे हैं ये 200 के साथ गुणा हो जाएंगे। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 4 × 8 यानी कि आपका जो है 800 आंसर आएगा, 800%। 8000 नोट कर सकते हैं, अगर नोट ना करना हो तो आप एप्लीकेशन में जाकर। हां जी 8000 सर, 8000 ये एक जीरो ये आए ना, दो जीरो ये आए तो टोटल होना था 8000। ठीक हो गया। अब बच्चे सबको समझ आ गया होगा, होप सो कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। इन बिटवीन किसी को क्लियर नहीं होता है तो वो हमारी एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं इसको क्लियर कर लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कि क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ट्राई करने की कोशिश करें। यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध माना जाता है, कि जो 24 कैरेट सोना है वो आपका बिल्कुल शुद्ध है जी, ठीक है जी, शुद्ध माना जाता है, तो 22 कैरेट का सोना जो है कि शुद्धता कितने प्रतिशत होगी, उसको प्रतिशत बताना है आपने। इफ 24 कैरेट गोल्ड इज कंसीडर्ड 100% प्योर, देन व्हाट परसेंट ऑफ प्योरिटी ऑफ 22 कैरेट गोल्ड विल बी। ट्राई करें सभी क्वेश्चंस को। हमारी जो क्लास होगी बेटा वो हम लंबे समय तक लेंगे, आराम आराम से स्टडी करेंगे, कहीं की जल्दी नहीं करेंगे कि क्वेश्चन जल्दी में समाप्त कर दिए गए। आप अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करें और बताएं कि हमारी क्लास लग रही है, आप भी क्लासेस लगाएं।
तो बेटा जी इसको अगर हम डायरेक्ट मेथड से बता अगर बात करें तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट से करें तो इनडायरेक्ट दो मेथड है। देखिए पहले मैं एक मेथड से बताता हूं आपको। जो 24 कैरेट है इसको इन्होंने कहा है कि 100% के बराबर है, तो यानी कि एक कैरेट कितने के बराबर हो गया, एक कैरेट हो गया 100/24। यस या नो? यस। तो अब इन्होंने बोला है यानी कि एक कैरेट अगर इसके बराबर है तो 22 कैरेट किसके बराबर हो गया, तो वो 100/24 × 22। बहुत ही सिंपल लग रहा होगा आपको मेरे ख्याल से। 21, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 2, 2 × 4। ये फिर से कट रहा है तो आप आराम से भी काट सकते हैं घर में ठंडा पानी पी के। 2, 6 × 12, 91.66, 2, 5 × 10 है ना जी, 2, 3 × 6, 2, 2 × 4, 2, 5 × 10 कितना आ गया 95। सॉरी 91/3%। अगर हम इसको ब्रेक करके लिखें इस प्रकार से, अगर डायरेक्ट बात करूं क्वेश्चन की तो 22/24 क्योंकि ये टोटल क्वांटिटी आती है जो प्योरिटी की होती है, इनटू आप 100 कर दो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मगर ये कैसे बनता है उसका मेन मेथड ये है। मगर कई टीचर क्या बोलते हैं मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आपको वो बनाऊंगा, फलाना बताऊंगा, ढमकाना बताऊंगा, मगर वो पूरी क्लियरिटी नहीं कर पाते हैं कई बार टीचर्स, उस वजह से भी हो जाती है मिस्टेक। 275 कैलकुलेशन करके आएगा 3। ये सिमिलर ही है, जो इसको भी करेंगे तो भी गुणा करके यही आएगा। और मिक्स फ्रैक्शन में लिखना होगा तो 91 ये आ जाएगा 2/3%। दोस्तों की आपको मेरी क्लास में जो है मजा आ रहा होगा और सारी की सारी बातें जो आपको क्लियर होना जरूरी है बच्चों। अगर मैं आपको हर बात को क्लियर नहीं कर पाऊंगा तो ये मेरा फॉल्ट होगा, तो जरूर अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर बताएं। आपको क्लियर हो गया होगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं दोस्तों। इसको मैं क्लियर कर दिया है, अगर आपको क्वेश्चन को तो दोबारा देखने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन के नोट्स में जाकर सेक्शन में से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल आप सभी ट्राई करेंगे इसको, मेरे ख्याल से बताने का मेरे ख्याल से जरूरत नहीं होगी। 2000 का पहले आप सर ये फिर से कहा है, प्रतिशत भी निकालो जमा 180 सर 4000 गलत है। प्रतिशत और काई 158 गलत है। ट्राई करें कोई बात नहीं, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। आंसर इज 180 180 तो बताया मैंने 180 सर 180 तो बताया था मैंने सर। नहीं मेरे को सुनाई नहीं दिया होगा, तो आपका सही आंसर है 180 है सर। हाँ कैसे आएगा मैं सबको क्लियर कर देता हूँ बच्चों। 2000 ही आ गया, का क्या मतलब होता है गुणा 12%, 12/100 का मतलब फिर से गुणा आ जाएगा 20/100 जमा। इसी प्रकार से 4000 गुणा
30 बटा 100 गुणा 11 बटा 100 प्रतिशत का 100 लगता है बच्चों, तो दो जीरो से ये दो जीरो गई, इस जीरो से ये जीरो गई और इस जीरो से ये जीरो गई। मैं फिर से क्लियर करता हूं, दूसरे में इस जीरो से ये जीरो गई, इस जीरो से ये जीरो गई, इससे ये गई और उससे वो गई। तो होप सो कि आपको क्लियरिटी हुई होगी काट पीट की। 12 दुनी 24 और 24 दुनी 48। इसी प्रकार से 11 थी ये 33 और 33 चौके 132। तो टोटल आपका आंसर आ गया बच्चों 180। होप सो कि मैं आपको क्लियर कर पा रहा हूंगा सारे स्टेप्स वन बाय वन। जिनको आ गए हैं बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि यही तो चीज है मेन। अगर मैं इसी को क्लियर कर रहा हूं दोस्तों, अब अगर मैं इसी को दूसरे मेथड से करने की कोशिश करता तो कैसे कर सकते थे, पर आप इसको दूसरे मेथड से कैसे कर सकते थे, जैसे कि 2000 आपने 4000 था, 4 भी था विच। भैया मल्टीप्लाई करके आ गया था 4 3 12 तो 132 आ गया 180 सर। नहीं यार उस बंदे का पता नहीं क्या कर दे। ये देखो 12% है 2000 का, 12% है गुणा 20%। अब ये देखिए आपको लर्न होना चाहिए कि प्रतिशत का बटे में क्या होता है अपॉन में 100, क्या होता है 100 होता है ना प्रतिशत का 100, तो आपको पता होना चाहिए कि नीचे 100 होगा, तो 100 होगा तो इससे दो जीरो कैंसिल कर दो, यहां से भी दो एक जीरो यहां की वाली चली जाएगी, एक जीरो यहां वाली चली जाएगी, तो बच गया ना 48। ये डायरेक्ट आ जाएगा आपके लिए, बेनिफिट होता है, जरूर ट्राई करते रहें। प्रकार से 4000 ये आ गया, उसका 30% आ गया, 11% ये आ गया। अब आपको हमें मालूम है कि प्रतिशत का 100 होता है, इसलिए दो जीरो मैंने यहां से काट दी, इसका भी प्रतिशत मैंने कैंसिल किया, तो एक जीरो यहां से जाएगी, एक जीरो यहां से जाएगी, तो 11 थी ये 33 और 33 चौके 132, दोनों के बीच में यहां पर देखिए प्लस था, तो इसलिए मैंने दोनों को प्लस कर दिया, तो 180 जो है वो हमारा उत्तर बन गया। होप सो कि आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी और समझ भी आ गया होगा प्रश्न। अगला प्रश्न भी बेटा डिट्टो है, बल्कि आधा और अधूरा है। जो मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे स्टूडेंट्स, मैं ये कहूंगा कि आप इस मेथड को अपनाएं तो और मोस्ट मतलब स्पीड आपकी जो है क्वेश्चन की हो जाएगी। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये हो गया प्रश्न, ये यदि ए का 60% बराबर है बी का 3/4 हो तो ए रेशो बी, ए अनुपात बी ज्ञात क्या 5:4 कि यदि ए जो है का सर 5:4 तो ए का 60% बराबर है बी का 3/4 के बराबर, यूं दिया है ये प्रश्न।
तो कैसे करेंगे? ए का मतलब बेटा जी सभी ध्यान से रख ही लीजिए, याद रख लीजिए, का मतलब ऑफ, मतलब ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 60 बटा 100 हो गया बराबर है बी का मतलब फिर से मैंने जो बताया मल्टीप्लाई 3/4। कल मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, उससे भी आप कर सकते थे, ऊपर ऊपर वाले को काट देगा, 3 × 6 = 0, इस 0 से ये 0 गई, 2 × 1 = 2, ठीक है जी, तो 2 × 5 = 10। यानी कि आपके पास क्लियरिटी में दिखाऊं तो a मल्टीप्लाई बाय 1/5 = b × 1/4 के बराबर बच गया। यानी कि अगर हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं तो यानी कि a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही आएगा बटा 5, b को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो b आएगा बटा 4। तो देख सकते हैं a की वैल्यू आपसे पूछी थी a बटा b या a रेशो b, कोई भी आप बात रख सकते हो अपनी। तो a की रेशो क्या आ गई 5, b की क्या आ गई 4, कितनी आ गई जी a की वैल्यू 5 4, दैट्स इट। तो आप बताएं कि आपको समझ आया होगा कि नहीं आया होगा, ऑप्शन कुछ भी हो सकती है बेटा जी, पेपर में दोनों ऑप्शंस जो है वो करेक्ट हैं, मगर दोनों होंगी नहीं, इकट्ठी आएंगी नहीं, एक ही आएगी दोनों में से। तो होप सो कि आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी और आपको ये प्रश्न समझ आ गया होगा। हम इन परसेंटेज की रेशियोज को, इन प्रश्नों को मच बेटर आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे और आप हमारे साथ जो है इसको प्रैक्टिस करते रहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर किसी ने नोट ना किया हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना तो हमारी एप्लीकेशन में जाकर वहां से ये पूरी वीडियो आप देख सकते हैं, ये रिकॉर्डिंग पर चली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा जी। आपके सामने प्रश्न आ चुका है, ये सभी प्रश्न जो है अभी मेरे बच्चे जल्दी से करके दिखाइए क्या आंसर आएगा। बिल्कुल ठीक है भैया, 0.025। हाँ करण बात कर रहे हैं, 0.025%। तो करण ने सबसे फास्ट आंसर जो है वो सबसे पहले स्पीक निकाला है। चलो मैं आपको समझाता हूं कि निकलना कैसे था, क्योंकि मेरे भाई और भी बैठे हैं। 1000 ये आ गया आपका, मैंने पहले बताया का मतलब गुणा होता है, 25% का 1% का 1%। देखिए 1000 ये आ गया। अब बच्चों क्या है का अर्थ क्या होता है, मैंने पहले से ही बता रहा हूं बार बार, का क्या अर्थ होता है, का अर्थ होता है गुणा मल्टीप्लाई। तो हम का की जगह मल्टीप्लाई का इस्तेमाल करेंगे, 25/100 गुणा 1/100 गुणा 1/100। तो 2 0 से ये 2 0 गई, 1 0 से 1 0 गई। अब आपके पास 25 × 25 और 25 × 100, तो 1/40 आपके पास आ गया, 1 रुपए का 1/4 हिस्सा। यानी कि आप 1 रुपए का पहला हिस्सा देखो तो होता है हमारा 25 पैसे,
मगर यहां पर लगाया जीरो, इसका भी एक जीरो आगे आ जाएगा, तो 0.25। ये इसका डायरेक्ट कैलकुलेशन करने का तरीका आ जाएगा। होप सो कि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई कंप्लेंट है तो आप मुझसे बता सकते हैं कि सर हमें समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं पर्सनली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपका ये रहा, यदि x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई का 30%, तो y कोमा x का कितना प्रतिशत है? बहुत ही सिंपल सवाल है बेटा जी, यानी कि x ओवर y निकालना है। शॉर्टकट बता देता हूं आपको बेटा जी, x ओवर y की वैल्यू बतानी है, यानी कि एक x की निकालनी है, एक y की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्लियर कर देता हूं कि बताएंगे आप कि मैं वेट करूं। सभी शांति हो गए सर, जी कराई दे दो। सर 1:4 अभी आप देख लीजिए, 1:4 आपने बताया है। का मतलब गुणा होता है बेटा जी, 50/100 हो जाएगा आपका, बराबर है x प्लस वाई, और का मतलब मैंने फिर से आपने वही बोला कि गुना होता है, तो 30/100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, इस जीरो से ये जीरो भी कैंसिल हो गया। अब ये जो 5 होगा ये इन दोनों से मल्टीप्लाई बारी बारी करेगा, तो क्या आ गया आपका 5x-5y बराबर है 3x+3y। अब एक्स एक्स वाले इकट्ठे कर लो, वाई वाई वाले इकट्ठे कर लो, 5x-3x=3y-, ये प्लस होगा 5y, इसको लेगा तो ये साइड जाकर क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया आपका +5y, तो इससे ये लेस हो जाएगा, तो कितना बच गया 2x, और 5 3 8 हो गए 8y, तो चौके 8, यानी कि आपके पास बच गया 1x=4y। अब क्या होता है कि 1/4 यानी कि 4 इसके नीचे आ गया, तो y ओवर x यानी कि x नीचे क्रॉस में चला जाता है, तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था x ओवर y का। तो बेटा जी आपको सबको आंसर दिख गया होगा कि x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, तो करेक्ट आंसर कितना बनेगा बोलो, 4/1 यानी कि 4:1। थोड़ा सा बेटा आपने बोला तो सही, थोड़ा सा चेंजिंग में डिफरेंस था, और सारा आपका। होप सो कि आप सबको मेरी बात क्लियर हो चुकी होगी और समझ भी आया होगा, मगर इन्होंने आगे क्वेश्चन बदल दिया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो वाई कोमा एक्स का कितना प्रतिशत है, ये है क्वेश्चन, वाई 25% है, 25% ऑफ एक्स। तो इसको हम कैसे करेंगे, मैं आपको ये रेड कलर में इसीलिए बता रहा हूं। देखिए यहां पर कि कैसे करेंगे, तो इसका मतलब हुआ y कोमा x का कितना, यानी कि कितना मतलब x है ना जी, प्रतिशत है, तो y की वैल्यू आपकी क्या है,
और x की क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो डायरेक्ट हम करें तो 1/4 × 100 तो बराबर है 25%। ये आपका आंसर बनेगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ी सी आगे डिटेल में जाएं तो y बराबर है x का कितना प्रतिशत, यानी कि x ही मैं मान रहा हूं तो y की जगह मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं जल्दी से, जो जिसकी वैल्यू है, यानी कि बेटा जी अब आपके y की वैल्यू कितनी थी, y की वैल्यू 1 थी बराबर है x की वैल्यू आपकी 4 थी, 4 का कितना प्रतिशत बटा 100। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो सेम मीडियम आ जाएगा। होप कि आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी और समझ सारा आ गया होगा। अब बेटा जी क्लास जो है वो क्लोज हो रही है, क्लोज मतलब इन द सेंस कि सेशन ओवर हो रहा है। नेक्स्ट सेशन अभी फिर से आपको लिंक आ जाएगा, आप हमारे साथ ही अभी बने रहे हमारे पास। अगर बने क्यों रहे अभी मैं आपको बता देता हूँ, 4 क्वेश्चन 3 जो है वो आपको होमवर्क में डाल देता हूँ। लेफ्ट जो बचे हैं वो 3 क्वेश्चन बचे हैं, क्या करूं होमवर्क दूं कि आपको आंसर साथ में ही दे दो, होमवर्क दे दो सर। ठीक है पर की दे दो, क्लास ओवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा एक का आंसर आपके का पहले का आंसर जो है वो होना चाहिए 1 का 15, दूसरे का होना चाहिए 70 और तीसरे का है क्वेश्चन बता दो 0.3। क्वेश्चन आपके आगे आ जाएंगे बच्चे। यस सर। ठीक है जैसे ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये क्वेश्चन है वो, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने 15 बताया था आपको। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है इसका जो क्वेश्चन का आंसर जो है वो 70 बताया है बेटा जी, 70 आंसर 70 आएगा। ठीक है 70 आएगा सर, वो 70 आना है इसका। हाँ हाँ थैंक यू। और लास्ट में जो है ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो है वो आपका 6.3 आना चाहिए। हाँ सर 142% निकलेगा बाद में। ठीक है जी सर, पिछला क्वेश्चन वीडियो पिछला आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे आ जाएंगे आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, यानी कि टेलीग्राम के ऊपर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है जी, अब बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी बच्चों। बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया सर। ठीक है तो अब हम कल क्लास नहीं होगी, कल मेरे को मार्केट में जाना है, मैं आपको बता देता हूँ कल मुझे मार्केट में जाना है उस वजह से क्लास नहीं होगी कल। ओके सर। हाँ सुबह नहीं हो सकती, अगर शाम के टाइम में बोलो दोपहर को तो मैं जब मर्जी ले सकता हूँ। ठीक है मैं अपने हिसाब से 10 बजे के बाद 11 बजे के बाद जैसे घर पहुंच कर मैं आप क्लास लगाने की कोशिश करूंगा। समय क्लोज हो चुका है बच्चों। ठीक है ओके, जय हिंद जय भारत। जय हिंद सर, जय हिंद सर, जय हिंद सर। भैया भैया।